नमस्कार, एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन के इस नए एडिशन में आपका स्वागत है। लोकल से ग्लोबल तक माहौल अनसर्टन जरूर है, लेकिन एक्सपोर्ट्स के मोर्चे पर सुधार देखा जा रहा है, आंकड़े यही बयां कर रहे हैं। ऐसे में हम आज के कार्यक्रम में एक्सपोर्ट्स के बाजार में हो रही हलचल का जायजा लेंगे, नए डेवलपमेंट्स पर फोकस करेंगे, साथ ही बदलते दौर में नए मौकों पर भी मंथन करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अजय सहाय, डायरेक्टर जनरल एंड सीईओ फियो, डॉक्टर अर्पिता मुखर्जी, प्रोफेसर इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस इक्रियर। साथ ही मौजूद हैं प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी, डीन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू। आइए बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। डॉक्टर सहाय, पहले हम आपका रुख करना चाहेंगे। सर, हमने देखा है April 21 से लेकर January 22 तक ऑलमोस्ट 10 मंथ्स इन अ रो $30 बिलियन से ज्यादा के एक्सपोर्ट्स देखे गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि हम ट्रैक पर हैं $400 बिलियन के जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए। आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है, चाइना प्लस वन मॉडल से भी क्या पुश मिला है? सब देखिए, जहां तक एक्सपोर्ट का सवाल है, अप्रैल से जनवरी हमने 35.5 बिलियन एक्सपोर्ट रिकॉर्ड किया है। फरवरी का फर्स्ट वीक का एक्सपोर्ट डेटा भी आया है, जो अराउंड फर्स्ट वीक में हमने 8.5 बिलियन किया है। जो $400 बिलियन का टारगेट है वो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू अचीव। उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे लिए ये है कि हमारे लिए जो डिमांड है वो काफ़ी रॉबस्ट है, ऑल सेक्टरों में को डिमांड की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। चाइना प्लस वन फैक्टर ने डेफिनेटली इंडिया को हेल्प किया है, और इससे हमारी हेल्प जो है वो एक्सपोर्ट्स में भी हुई है, कुछ इन्वेस्टमेंट में भी हुई है। एक्सपोर्ट में हमने देखा है बहुत से कंट्री चाइना के ऊपर ही जो ज़्यादा ऑर्डर दे रहे थे, उन्होंने इंडिया को अल्टरनेटिव टू चाइना में कंसिडर किया और इंडिया में ऑर्डर आ रहे हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट भी फ्लो किया, ऑफकोर्स अभी इन्वेस्टमेंट फ्लो करने में उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आया, लेकिन बहुत से कंपनीज ने जो छोटी हमारे Tier 2 Tier 3 सिटीज में भी SMEs हैं उनमें भी इंटरेस्ट शो किया है। तो एज ऑफ नाउ हमें कोई ये नहीं लग रहा है कि यहाँ से भी $400 बिलियन अचीव करने के बाद भी हम एक ग्रोथ मोमेंटम में रहेंगे और हम अगले साल के लिए और अच्छा टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। कुछ सप्लाई साइड इश्यूज जरूर हैं जो कि हमें देखने पड़ेंगे, और सप्लाई साइड इश्यूज को अगर हम एड्रेस कर लेते हैं पर्टिकुलरली फ्रॉम MSME तो हमारा ये ग्रोथ मॉडल जो है वो कंटिन्यू रहेगा। डॉक्टर साहब, आप ये भी बता सकें, डॉक्टर साहब जहां तक इंडियन गुड्स की क्वालिटी की बात है, क्या उसमें भी सुधार हो रहा है? उस फ्रंट पर आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है इस एनवायरमेंट में? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि अगर हम एक्सपोर्ट में सस्टेन कर रहे हैं तो इसका मतलब हम क्वालिटी एंड प्राइसेस दोनों में कॉम्पिटिटिव हैं, क्योंकि सिर्फ प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस से आप एक्सपोर्ट मार्केट रिटेन नहीं कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा है, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो एक्सपोर्टर्स को एड्रेस किया था 6 अगस्त में, उन्होंने क्वालिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग पे जोर दिया है। और जब हम क्वालिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, जिसको कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए क्वालिटी के ऊपर काफी फोकस रहना पड़ेगा, और ये अच्छी बात है कि इंडस्ट्री इस चीज के लिए कॉन्शियस है। इंडस्ट्री कॉन्स्टेंट एफर्ट कर रही है कंसिस्टेंसी लाने के लिए। जो स्टैंडर्ड्स इंडिया में डेवलप हुए हैं उस स्टैंडर्ड्स से भी हमें क्वालिटेटिव मैन्युफैक्चरिंग में काफी मदद मिली है, और एनीवे हम एक्सपोर्ट्स के लिए मार्केट एक्सेस के लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड जो उनको मीट ही करते हैं। तो हमने देखा है पिछले कई सालों में क्वालिटी पे फोकस आया है और इंडस्ट्री में इसकी जागरूकता भी बढ़ी है और इंडस्ट्री ने इसका एडॉप्शन भी किया है। अभी बहुत से कदम जो स्किलिंग को लेके भी किए गए हैं उनसे भी हमें लगता है क्वालिटी में और मदद लगेगी, और हमने देखा है कि इस बजट में भी क्वालिटी के ऊपर काफी फोकस रहा है। और हम बात जो कर रहे हैं वो खाली ना स्किलिंग की कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं री स्किलिंग की और अप स्किलिंग की। प्रोफेसर जोशी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सर, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक्चुअली माना यह जा रहा था कि कोविड के कारण फॉरेन ट्रेड पर भारी दबाव रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इस दौर में कई नई अपॉर्चुनिटीज देखी जा रही हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? देखिए, एक्सपोर्ट के फील्ड के अंदर भारत ने इस चैलेंजेस को या कैलामिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया, इकोनॉमी में और एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट में हम ऑलरेडी $335 बिलियन एक्सपोर्ट जनवरी तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं, और जैसा कि बताया हम 400 के बिलियन डॉलर के टारगेट के बिल्कुल नजदीक हैं। इसके अंदर हमने स्ट्रक्चरल
उपाय किए हैं सरकार ने, और सरकार और इंडस्ट्री के एक सहयोग से इतना अच्छा हम कर पाए हैं। क्योंकि आप देखिए कि एक हमने जो स्कीम थी हमारी कि रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड गुड्स, उसको हमने WTO कंपेटिबल बनाया। उसके अलावा आप देखिए हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट फोकस की स्कीम हुई, और एक्सपोर्ट प्रमोशन की गतिविधि जो है हमने डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाई, और मतलब सेंट्रल एक्सपोर्ट प्रमोशन किया गया। देन वी वर्क विद द SLEPC स्टेट लेवल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, और अब हमने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भारत ने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई। उससे एक सेंसिटिविटी भी पैदा हुई, और उससे जो उससे एक्सपोर्ट के पूरे इसको मोमेंटम मिला फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, जहां से कि एक्सपोर्ट जो है संभव हो पाया। और मुझे लगता है कि इसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में और भी अच्छा होगा। चाइना को एक्सपोर्ट्स की बात है, इस फ्रंट पर जो ग्रोथ देखी जा रही है, इसको थोड़ा किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं, और इनफैक्ट जब आप इसको इंपोर्ट्स की पेस के बीच में देखते हैं तो कैसे आप इसको पाते हैं? चाइना में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इंपोर्ट घट रहा है। इंपोर्ट घटने के लिए हमने जो वोकल फॉर लोकल कहा या आत्मनिर्भर कहा, उसके लिए हमारी PLI स्कीम जो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, सो वेयर इन वी आइडेंटिफाइड वेरियस इंडस्ट्रीज, एटलीस्ट 14 इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री के अंदर, और उसके अंदर आप देखिए 1.7 लाख करोड़ की वो योजना थी, उसको हम फिर और मॉडिफाई कर रहे हैं। तो उससे क्या है कि स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स है, मशीनरी है, सो मेनी थिंग्स जो हम जितना हम पे इंपोर्ट डिपेंडेंस थी वो हम भारत के अंदर बना रहे हैं। वैसे ही एक्सपोर्ट गुड्स कैपिटल स्कीम जो थी उसके अंदर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को भी इंसेंटिव की जो स्कीम है, इससे हमारे ट्रेड डेफिसिट पे और इंपोर्ट के ऊपर बिल्कुल फर्क पड़ेगा। लेकिन क्योंकि कंजम्पशन भी हिंदुस्तान में बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी बढ़ रही है, तो वो कोई चिंता की बात नहीं है, हम बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं। बट उसके अंदर चिंता की बात यही है कि वी हैव टू मेंटेन द ट्रैक, और जितनी सप्लाई साइड की प्रॉब्लम्स हैं उनको निश्चित रूप से हमको देखना पड़ेगा। डॉक्टर अर्पिता, हम आपके पास अब आएंगे, आप ये बता सकें अब जैसे मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स की जगह बायलैटरल एग्रीमेंट्स की बात पर जोर दिया जा रहा है, इस पहलू को आप कैसे देख रहे हो और इसके क्या मायने हैं इस मौजूदा एनवायरनमेंट में? देखिए WTO कई सालों से ज्यादा आगे नहीं जा पा रहा अपना दोहा राउंड पे, मगर भारत का बरोबर हम लोग मल्टीलैटरल एग्रीमेंट पे ज्यादा भरोसा रखते थे, क्योंकि बायलैटरल करना काफी डिफिकल्ट होता है। आजकल जो दो चीजें देखा जाता है, एक बायलैटरल हो रहा है, एक बड़ा बड़ा नेगोसिएशन कहते हैं हम लोग ऑलमोस्ट लाइक मेगा एग्रीमेंट जैसे RCEP हुआ है। अब जबकि ये मुद्दा SME पे है, मैं आपको दो पॉइंट SME पे बताती हूँ। WTO ने भी जबकि उसके आगे कई सारे चीजों पे मतभेद है, उन्होंने एक इनफॉर्मल प्लूरिलैटरल नेगोशिएशन शुरू किया है, डिस्कशन फॉर्मेट पे वो है SME के ऊपर। उसमें कंट्रीज एक साथ मिलके जो इश्यूज है SME का ट्रेड करने में उसको आइडेंटिफाई करता है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। WTO ने भी एक ट्रेड फॉर MSME पोर्टल भी बनाया ताकि उनको इंफॉर्मेशन दी जाए। सो WTO कुछ तरह से ट्रेड फैसिलिटेशन जो MSME का होता है उसके ऊपर काम कर रहा है, और उसमें ज्यादातर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, उनका हेल्प डेस्क बनाना, कंट्रीज को ज्यादा इंफॉर्मेशन देना, ये सब काम कर रहे हैं। हालांकि अभी इसमें 94 WTO मेंबर्स कंट्रीज है और हम लोग नहीं है, मगर ज्यादातर हमारे नेबर्स और आशियान कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आप बायलैटरल पे जाए तो मैं इसका जैसे इस बार RCEP देखिए, उसमें एक सेपरेट MSME चैप्टर है, तो ये सेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है ट्रेड एग्रीमेंट में, क्योंकि अगर आप ट्रेड का फ्लो देखें तो ग्लोबल 80% ट्रेड फ्लो MSME करता है, 95% इंडस्ट्री MSME है, 60% से ओवर एम्प्लॉयमेंट भी यही सेक्टर करता है, तो ट्रेड नहीं हो सकता। डॉक्टर अर्पिता, हमें ये बता सकें तो FTAs की नेगोशिएशन पर जो काम किया जा रहा है, इस पर जो डेवलपमेंट्स हैं, आप उसको कैसे रीड कर रहे हैं और इस फ्रंट पर आगे बढ़ते हुए किन फैक्टर्स को मद्देनजर रखना होगा? इसके बाद हम डॉक्टर सहाय का रुख करें। देखिए FTA negotiations में क्या होता है वो हर एक कंट्री अलग अलग तरीके से देखते हैं। जो भारत में जो काम हो रहा है उसमें भी discussions होते हैं इंडस्ट्री बॉडीज के साथ, मगर जो विदेशी कंपनियां जो विदेश में जो काम होते हैं, मानिए जो UK यूरोपियन यूनियन, ये लोग एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट
चैप्टर्स देखते हैं और वो MSMEs जो जो वल्नरेबल ग्रुप्स है उसको क्या किया जाए उसको देखते हैं। उसके साथ साथ कुछ इसमें कुछ दिक्कतें भी आती है उस चैप्टर में, जैसे वो पहले वो चैप्टर बहुत ब्रॉड था, उसमें क्लाइमेट चेंज से लेके चाइल्ड लेबर के लेके सारे इश्यूज डिस्कस होते हैं। इसीलिए आजकल कई FTAs जैसे मैंने आपको बताया RCEP सेपरेट एक MSME का चैप्टर करते हैं कि MSME को कैसे हेल्प किया जाए जबकि ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है। इसका ये कारण है कि भारत का नहीं है बाकी सारे देश का, सबको सारे देश में अगर आप देखेंगे कि ट्रेड एग्रीमेंट ने MSME को उतना फायदा नहीं दिया, ये सारे दुनिया के MSMEs कहते हैं, इसीलिए आजकल इस पे फोकस है। गति शक्ति के तहत एक ये जो सीमलेस मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का प्लान है, इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट IT टूल्स का एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, तो आप इसको लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में किस तरह से इसमें कमी आ सकती है, एक्सपोर्ट किस तरह से कॉम्पिटेटिव होंगे, ये आगे का पूरा रोड मैप आपको कैसे दिख रहा है आगे की रहा सर? देखिए आप अगर गतिशक्ति प्रोजेक्ट को देखते हैं तो जहां 7 इंजन्स की बात की गई, वो 7 इंजन्स इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका डेवलपमेंट होने से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जरूर कम आएगी। तो हमने देखा है इवन बजट में हमने 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने की बात की है, हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्टेशन वन प्रोडक्ट वन स्टेशन की बात कर रहे हैं जिससे लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोशन मिलेगा और लोकल प्रोडक्ट जो है सप्लाई चेन में एंटर होंगे। हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी भी है कि प्रोसेस प्रोडक्ट्स में पर्टिकुलरली इन एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा शेयर बहुत ज्यादा नहीं है। इवन इंडिया के अगर टोटल एक्सपोर्ट में जो प्रोसेस सेक्टर का शेयर है वो करीब 25% है, हमें बढ़ा के शेयर 50% तक ले जाना है। जो बात की गई है 4 मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स हब की या 100 कार्गो टर्मिनल की, ये सब जो इनिशिएटिव्स है ये हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेटर बनाएंगे और हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को भी कम करेंगे जिससे कॉम्पिटिटिवनेस इंडस्ट्री की बढ़ेगी। हम ये देख रहे हैं जब हम WTO रिजीम में जा रहे हैं और इंडिया ग्रेजुएट कर गया है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट से, तो कोई सब्सिडी के थ्रू एक्सपोर्ट नहीं दिया जा सकता, इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो जीरो रेटिंग ऑफ स्कीम्स की बात कर रही है। FTAs में मेरे को लगता है एक बहुत बड़ा जो चेंज आया है वो ये चेंज आया है कि FTAs जो है हम इंडिया के मेजर एक्सपोर्ट मार्केट को ध्यान में रख रहे हैं। तो अब हमारा जो FTA का नेगोशिएशन चल रहा है वो UK के साथ चल रहा है, UAE के साथ चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रहा है जो इम्पोर्टेंट मार्केट है, और नेक्स्ट ईयर तक हम कुछ रीजनल ब्लॉक से EU के साथ है, SACU के साथ है या GCC के साथ भी इंटीग्रेट करेंगे। तो बड़ा क्लियर शिफ्ट पॉलिसी में आई है क्योंकि एक बहुत बड़ा जो इंडस्ट्री का कंसर्न था कि पास्ट में FTA से इम्पोर्ट को ज्यादा पुश मिला है, एक्सपोर्ट को कम पुश मिला है, वो काफी हद तक एड्रेस हो जाएगा। और जब हम ऐसे चैलेंजेबल एक्सपोर्ट टारगेट रखें जहां 1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज का करना चाहते हैं 27-28 से, तो इस तरह का जो FTA फोकस है एक्सपोर्ट पे मेजर इकोनॉमीज से, उसको एक्सपोर्ट्स को काफी फैसिलिटेट करने में सहायता मिलेगी। SME एक्सप्रेस हेल्पलाइन में फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्द ही लौटेंगे। आज SME एक्सप्रेस हेल्पलाइन में हम फोकस कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स के बाजार में हलचल पर। आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मुखर्जी, फिर आप बताएं, अभी हमने देखा था गवर्नमेंट हैज आल्सो प्रपोज्ड टू रिप्लेस दिस एग्जिस्टिंग लॉ गवर्निंग द SEZs विद द न्यू लेजिस्लेशन। तो SEZ एक्ट जो कि 16 साल पुराना है, आप मानते हैं इससे भी ये जो डेवलपमेंट्स हैं इस क्षेत्र को बूस्ट मिलेगा आगे चलते हुए? देखिए हमारा जो SEZ एक्ट था उसमें एक क्लॉज है कि आपको SEZ की बेनिफिट लेने पे आपको एक नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर होना चाहिए। वो जो क्लॉज है वो WTO बिल्कुल प्रोहिबिटेड सब्सिडीज के अंदर आते हैं और हमें इसीलिए इसको तो चेंज करना ही है। तो इसको तो ये तो हमारे केस हमारे ऊपर केस भी लगाया था WTO में अमेरिका ने। सो ये तो फर्स्ट पॉइंट है, SEZ को हमको चेंज करना है। अगर हम हमारा कॉम्पिटिंग कंट्री के SEZ को देखें तो उसमें ये लोग फिस्कल इंसेंटिव देते हैं मगर ज्यादा आजकल नॉन फिस्कल इंसेंटिव देते हैं क्योंकि टैरिफ कम हो गया, टैरिफ और ज्यादा इंसेंटिव रहा नहीं ग्लोबली। तो इन नॉन फिस्कल इंसेंटिव को देने का एक बहुत अच्छा जगह है SEZ। अभी गवर्नमेंट को इंडस्ट्री ने कई सारे चीज मांगे हैं, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी और अदर सेक्टर्स ने मांगे हैं
इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ने मांगे कि मुझे रिवर्स जॉब वर्क दी जाए ताकि मैं डीटीए को केटर कर सकूं, और ऐसी सेट को बाकी जो बाहर का जो इसके साथ एफटीए हुआ है उनको अगर जीरो टैरिफ मिल रहा है तो ऐसी सेट को जीरो टैरिफ ही दी जाए, नहीं तो डोमेस्टिक से डोमेस्टिक में हमको टैरिफ देना पड़ रहा है, बाहर से टैरिफ नहीं हो रहा। तो ये जो चीजें है ये सुधारने के लिए नया रेगुलेशन की जरूरत है और ये आने से हम लोगों को फायदा ही होगा अगर ठीक से आए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि हमारे एक्सपोर्ट्स को प्रमोट जिस तरह से किया जा रहा था सब्सिडीज के माध्यम से और WTO में जिस तरह से परमिट नहीं है, आप MSMEs को क्या कहना चाहेंगे? और आप शुरू में आपने रॉटेप स्कीम का भी मेंशन किया था, उस पर भी अपना नजरिया आप शेयर कर सकें। प्रोफेसर जोशी, देखिए ये इस बजट में भी सरकार ने क्लियर कर दिया है कि एक तो WTO कंपेटिबिलिटी, क्योंकि WTO की मतलब ब्रॉड गाइडलाइंस के अंदर एक्सपोर्ट्स कैन नॉट बी सब्सिडाइज्ड, और दूसरा ये कि स्कीम्स के WTO कंपेटिबिलिटी, और जहां पर सरकार जो दे सकती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को घटाने के अंदर, इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज विच आर परमिटेड अंडर द WTO। तो उस हिसाब से आप देखिए कि हमने सारी स्कीम्स को जो है ना मॉडिफाई करने की कोशिश की है, उसके अंदर वो चाहे तो लॉजिस्टिक्स हो, क्वालिटी हो, इनोवेशन हो, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हो, यूज ऑफ ड्रोन हो, एवरीथिंग आई थिंक यू नो वी आर ट्राइंग टू डू इट। और जैसा कि ये अभी प्रोफेसर अर्पिता जी ने बताया कि SEZ को यू नो द स्टेट्स की भागीदारी बढ़ाने के लिए, तो WTO कंपेटेबिलिटी के साथ साथ ये स्टेट की भागीदारी भी SEZ के अंदर बढ़ाएगी एंड एब्सोल्युटली इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव। अच्छा, वैसे ही आपने देखा कि जो रोडटेप स्कीम है या और भी हमारी जो स्कीम्स हैं, यू नो वी आर ट्राइंग टू मेक ऑल दीज यू नो द WTO कंपेटिबल। डॉक्टर साहब, आप हमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पर अपने व्यूज दे सके? देखिए, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो इस बार आएगी वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रहेगी, एंड हमने जैसे अभी भी डिस्कशन किया है इस पॉलिसी के लिए चैलेंजेस रहेगा। बहुत सी स्कीम इंडिया की US ने चैलेंज की थी जिसमें हम डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड में हार गए, केस हम एपलेट बॉडी के पास हैं, उन स्कीम पे सरकार क्या करेगी। एक बहुत अच्छी बात हुई जैसे कि SEZ को रीमॉडलिंग की बात हो रही है, बिकॉज अब आई थिंक ये हम चाह रहे हैं कि SEZ को हम ट्रूली एन इकोनॉमिक कॉन्क्लेव बनाए, एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट का डिस्टिंक्शन खत्म हो जाए। अगर वो SEZ में कोई आदमी डोमेस्टिक मार्केट में बेचता है तो वो एप्लीकेबल ड्यूटी से दे, इससे एक बहुत बड़ा फायदा होगा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री पर्टिकुलरली हमारे MSMEs हैं जो कह रहे हैं उनको प्लग एंड प्ले फैसिलिटी चाहिए, बिकॉज अगर वो लैंड खरीदते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो रफली 80% ऑफ उनकी कैपिटल जो है उसी में चली जाती है। SEZ में करीब 20,000 हेक्टेयर वैकेंट स्पेस है, करीब 1 करोड़ स्क्वायर फीट बिल्ट अप एरिया है, तो अगर इसमें प्लग एंड प्ले फैसिलिटी देती है तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को भी बहुत ज्यादा इसमें सपोर्ट मिलेगा। और जैसे बात आई है कि जो इंडिया का FTA से इंपोर्ट हो रहा है, अगर SEZ को वो सप्लाई जीरो ड्यूटी पे दी जाए, डोमेस्टिक इंडस्ट्री से कंसर्न को देखा जाए कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को क्या हम SEZ में लाके इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दे सकते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा अच्छा कदम होगा। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा जो न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आएगी वो नॉन फिजिकल इंसेंटिव पे ज्यादा जोर देगी, वो एक इकोसिस्टम डेवलप करना चाहेगी जिसमें कि एक्सपोर्ट्स जो है हमारा वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे। और एक चीज जो हम जानना चाहेंगे वो ये भी होगा कि ई कॉमर्स जो रिटेल एक्सपोर्ट्स है उसको सपोर्ट किया जाए। तो डॉक्टर अर्पिता, चलते हुए आप हमें बता सकें जैसे ई कॉमर्स का मेंशन हो रहा है तो आप इस अहम पहलू को कैसे देख रहे हैं, जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के जहां तक एक्सपोर्ट्स की बात है तो ई कॉमर्स का रोल आप किस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे? इसमें मतलब मार्केट इंटेलिजेंस से लेकर मार्केट एक्सेस हो, सप्लाई चेन में सपोर्ट से लेकर फास्टर पेमेंट्स तक की बात है, तो आप इसको किस तरह से इसके पोटेंशियल को देख रहे हैं खासकर स्मॉल बिजनेसेस के कॉन्टेक्स्ट में? क्योंकि आजकल स्मॉल बिजनेसेस के पास ये जो कोविड हुआ है उसके बाद बहुत जल्दी जल्दी स्मॉल बिजनेसेस अपने आप को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में ला रहे हैं। अपना प्लेटफॉर्म लेके एक्सपोर्ट करना कभी कभी दिक्कत होती है, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग और एजेंसी जैसे अमेज़न है इनके प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं जैसे ग्लोबल मार्केट एक्सेस के लिए। अभी ई कॉमर्स में
बेनिफिट है अगर आपको थोड़ा सा सोचना भी है। देखिए ई कॉमर्स दो तरह के होते हैं, बी टू बी ई कॉमर्स एंड बी टू सी ई कॉमर्स। जब आपका वॉल्यूम कम होता है तब आपका बी टू सी ई कॉमर्स में फायदा है। बी टू बी ई कॉमर्स के अलग रोल होते हैं, जैसे आप सैंपल भेजिए किसी क्लाइंट को, या स्मॉल प्रोडक्ट भेजिए या हाई वैल्यू प्रोडक्ट भेजिए, जैसे मानिए जेम्स एंड ज्वेलरी। बिकॉज आप जब ई कॉमर्स रूट को यूज कर रहे हो तो आप शिपिंग लाइन्स नहीं यूज कर रहे, आप एयरलाइन यूज कर रहे हो, या जो लैंडलॉर्ड कंट्री है उसके अंदर आप ट्रकिंग सर्विस यूज कर रहे हो, रेलवे यूज कर रहे हो। सो आपकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का होना उसके साथ ये मोड ऑफ एक्सपोर्ट का सीनर्जी होना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक लास्ट पॉइंट बताती हूँ जो कि हमारे ई कॉमर्स का दिक्कत है। हमारा जो रेगुलेशन है, जैसे आपका एक्सप्रेस डिलीवरी रेगुलेशंस, हम वी डोंट अलाउ पेरिशेबल इन इट। अब पेरिशेबल को ही तो एक्सप्रेस डिलीवरी चाहिए, जो स्लो डिलीवरी में तो एग्रो एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। तो आपका जो काफी रेगुलेशंस है वो 2010-12 का है, जिसको चेंज करना पड़ेगा टू फॉर द ई-कॉमर्स सेक्टर टू बी फुल्ली इफेक्टिव। राइट, सो दैट्स ऑल द टाइम वी हैड। चलते हुए प्रोफेसर जोशी, आपकी तरफ से एक लास्ट वर्ड एमएसएमईज के लिए। देखिए एमएसएमईज को आने वाली मार्केट अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए, कैपिटलाइज करने के लिए अपने आप को बिना सब्सिडी के खड़ा होना सीखना होगा। रादर एमएसएमईज को ज्यादा फोकस इनोवेशन, मार्केटिंग एक्टिविटीज, मार्केट एक्सेस एंड यू नो मेकिंग एफिशिएंसी इन द एंटायर वैल्यू चेन एंड सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स, इस पे फोकस करना होगा, तभी वो जो है अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे। डॉक्टर अजय सहाय, डॉक्टर अर्पिता मुखर्जी, प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी, आप सभी का शुक्रिया हमें एसएमई एक्सप्रेस हेल्पलाइन में ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। चलते चलते हम अमेरिकन ऑथर एडवर्ड एवरेट हिल की ये बात कहना चाहेंगे, कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस, वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। जी हाँ, चुनौतियों के बीच यूं ही राह पर आप चलते रहें, या तो मंजिल मिल जाएगी या तजुर्बा, दोनों ही नायाब हैं। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।